हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आदाब एंड सस्तकाल आज आ, जो ट्यूटोरियल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है क्यूबेस उसका ऊपर हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे सो so दैट ये कोर्स एक्चुअली डिज़ाइन किया गया है फॉर बिगिनर्स तो इन डिटेल हम लोग जानेंगे कि क्यूबेस को कैसे ऑपरेट करना होता है शुरू से और ये पार्ट वाइज आएगा ये वाला ट्यूटोरियल तो और ये कंटिन्यूसकन प्रोसेस में रहेगा अभी चलते रहेगा जब तक ना हम लोग एडवांस स्टेज में आ जाते तब तक चलिए हम शुरू करते हैं क्यूबेस हमारे पास है क्यूबेस टेन पॉइंट फाइव तो शुरू करने के पहले जस्ट एक चीज़ बताऊंगा कि कोई भी डॉ आप यूज़ करें डॉ मीन्स डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन ठीक है जिसके जिस सॉफ्टवेयर जिस से आप ऑडियो को एडिट कर सकते हो और ऑडियो को और भी अच्छा बना सकते हो कोई भी डॉ अगर आप यूज़ करें चाहे क्यूबेस हो लॉजिक प्रो हो प्रोटूल्स uh, हो एफ एल स्टूडियो हो एबल्टन हो कोई भी सारे डी ए सेम होता है उसका इंजिन सारे सेम है ऐसा कोई कोई कंसेप्ट मत रखिएगा कि uh, मेरा क्यूबेस पे बहुत अच्छा होता है न्यू एंड में तो नहीं होता है अच्छा फिर स्टूडियो में बहुत अच्छा होता है एवल्टन पे ऐसा नहीं होता है ऐसा, होता है ऐसा होता ही नहीं है ये पूरा आपका कंसेप्ट के ऊपर है जैसे कि आप उसको प्रोसेस कर रहे हो आपका इंस्ट्रूमेंट्स और आपका वोकल्स आपका म्यूजिकल ट्रैक आप उसको प्रोसेस कर रहे हो उसका एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है उसका आउटपुट ना कि आपका डी के ऊपर uh, मेरा क्यूबेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मैं क्यूबेस को ओपन करता हूँ अच्छा यहाँ पे देखिए ये बेसिकली दिखा रहा है कनेक्टिंग मतलब अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन है तो आपको ये न्यूज एंड ट्यूटोरियल्स कुछ मिलेगा आप जाके यहाँ पे विजिट कर सकते हो और इसके ऊपर आप गोथ्रू कर सकते हो इसमें से भी बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं तो आज अभी हम लोग चलते हैं ये राइट पोर्शन ऑफ दैट पेज तो इस पेज में देखिए बहुत सारे आइकन्स दिया हुआ है आ, रिसेंट का रिकॉर्डिंग स्कोरिंग प्रोडक्शन मास्टरिंग एंड मोर तो रिसेंट जो है ये वाला जो है रिसेंट इसमें जो हम लोग प्रोजेक्ट में रिसेंटली काम किए हैं वो वाला प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं आप रिसेंट में हैं कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कीजिएगा और डबल क्लिक कीजिएगा तो उसको ओपन हो जाएगा नहीं तो इसमें आप ओपन कीजिएगा तो ओपन हो जाएगा अगर रिकॉर्डिंग में जाते हैं रिकॉर्डिंग मतलब देखिए यहाँ पे इतना टाइप का फ्लेवर दिया गया है एकोस्टिक गिटार प्लस वोकल मतलब अगर आप किसको सिलेक्ट करके ओपन कीजिएगा की क्रिएट कीजिएगा तो आपका एकोस्टिक गिटार प्लस वोकल का दो ट्रैक बना के दे देगा क्यूबेस ने आपको जाके बनाना नहीं है तो ये प्री डिफाइंड कुछ टेम्पलेट्स है जिस टेम्पलेट को आप आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो अच्छा ये है स्कोरिंग स्कोरिंग के लिए है ये प्रोडक्शन के लिए है मास्टरिंग के लिए है स्टीर मास्टरिंग अभी मोर पे हम जाते हैं मोर पे जाने के बाद देखिएगा ये तीन ज़्यादा से इम्पोर्टेंट नहीं भी हैं और कर ही सकते हो बट इतना हम, हम लोगों को काम पे नहीं लगता ये चीज़ बेसिकली रिसेंट काम पे ज्यादा लगते हैं और मोर काम पे ज्यादा लगते हैं बट इसका अंडरस्टैंडिंग भी आपको होना चाहिए रिकॉर्डिंग ऑलरेडी बता दिया आप मोर पे जा सकते हो और एम टी को सिलेक्ट करके क्रिएट कर सकते हो उसमें क्या होगा आपका एक एम टी प्लेटफॉर्म ओपन करके देगा तो जिस वर्क स्पेस में आप जाके आपका काम कर सकते हो अच्छा अभी हम लोग एम करके ओपन करते हैं अच्छा मैंने अभी हम ओपन कर लिया एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ठीक है उसमें जो हमको पहला चेक करना है यहाँ पे देखिए फाइल एडिट प्रोजेक्ट ऑडियो मीडी स्कोर्स, मीडिया ट्रांसपोर्ट स्टूडियो वर्क स्पेसेस विंडो हाब हेल्प इतना ऑप्शंस दिया हुआ, इतना टैब्स दिया हुआ है, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे प्रोजेक्ट में जाएंगे और प्रोजेक्ट सेटअप देखेंगे ठीक है प्रोजेक्ट सेटअप देखिए यहाँ पे सैम्पल रेट जो है ये हमारा फोर्टी एट किलो हर्ज है आपको आपका ऊपर डिपेंड करता है फोर्टी एट फोर्टी फोर कर सकते हो फोर्टी एट कर सकते हो ठीक है अच्छा यहाँ पे बीट डेप्थ है देखो यहाँ पे ट्वेंटी फोर बीट सिलेक्टेड है मतलब यही हम लोग रखेंगे ट्वेंटी फोर बीट वो एफ फाइल में रिकॉर्ड टाइप वो एफ फाइल होगा ओके अच्छा यही चीज़ है और यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आपका फोर्टी एट में आप कर रहे हो तो आपका सारे जितना भी इसका ऊपर वर्क स्पेस का ऊपर काम होगा अगर किसी से भी अब दूसरा फाइल इंपोर्ट भी कर करोगे तब भी वो जाके 48 में वो कन्वर्ट कर लेगा क्योंकि आपका प्रोजेक्ट ही 48 एट किलो में है अगर आप चाहते हो कि 44 में करो तो 44 फोर इंटायर प्रोजेक्ट शुड भी 44, ठीक है नहीं तो ये ग्लीच हो जाता है कभी कभी तो ठीक है अभी सॉरी ये मैंने किया कि फोर्टी कर दिया क्या फोर्टी है ठीक है चलो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेन जो बिगिनर्स है जिसको शुरू करना है तो पहले वो जाके यही करेगा उसके बाद स्टूडियो में जाएगा ठीक है स्टूडियो में जाके स्टूडियो सेटअप करेगा सेटअप में देखिए यहाँ पे मेरा एपोजी का यहाँ पे वी ऑडियो सिस्टम है ठीक है यहाँ पे मेरा साउंड कार्ड है एपोजी एपोजी डुएट तो मैंने इसीलिए एपोजी यूएसबी ऑडियो ड्राइवर को सिलेक्ट करके रखा अगर आपके पास जो भी ऑडियो इंटरफेस है उसी के हिसाब से आप उसी का ड्राइवर को सिलेक्ट कीजिएगा ठीक है ऑडियो इंटरफेस जब आप ख़रीदते हो उसके साथ वो वेबसाइट से जाके आप उसका ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हो आपका पीसी में इंस्टॉल भी करोगे राइट तो वही वाला ड्राइवर को यहाँ पे देना पड़ेगा अगर आपके पास ऑडियो इंटरफेस नहीं है फिर क्या करोगे आपका मान लो कि आपका सिर्फ क्या बोलता हैं साउंड कार्ड है सिर्फ राइट पी में तो फिर आप ए एस आई ओ फोर ऑल ये वाला को सिलेक्ट करना है अभी ए आई एस फोर ओ ऑल इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा आप जाके यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो नहीं तो गूगल कर सकते हो ए आईस एफ फॉर ऑल डाउनलोड करके लिख दोगे तो बहुत सारे पेज आ जाएगा आप डाउनलोड भी कर सकते हो ये फ्री है ठीक है अच्छा अभी देखते हैं प्रोसेसिंग प्रिसन प्रोसेसिंग प्रोसीजन के अंदर आपको ऑप्शन मिलते हैं थर्टी टू बिट और सिक्सटी फोर बीट ये हम लोग सिक्सटी फोर बिट रखेंगे यू मस्ट रीस्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टू टेक इफेक्ट ठीक है चलो इसको हम करते हैं ये कर दिया ओके okay कर दिया ठीक है अब अब अभी, अभी मेरे को रजिस्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं डोंट सेव चलिए इसको हम कर लेते हैं थर्टी टू बिट के जगह में आप सिक्सटी फोर बिट कर लीजिएगा खोल लेते दोबारा अच्छा ओके यहाँ पे और एक पॉइंट बोलना है जो बहुत इम्पोर्टेंट लगते हैं अगर आपने ये ए एस आई ओ फोर ऑल ये आप सिलेक्ट करता तो आप इसके अंदर में आप जाते जाएंगे तो देखिएगा देखिए ऐसा मिलेगा ठीक है ऐसा ऐसा टाइप का एक इंटरफेस खुलेगा तो उसमें आपका के जो रियल टेक हाई डेफिनेशन ऑडियो आपका जो लैंड कार्ड है उसमें आप सिलेक्ट कीजिएगा इसमें जो ध्यान देने का जो बात है वो है ए एस आई ओ वाफर साइज ठीक है तो ये जितना मिनिमम होगा ठीक है उतना बेहतर है आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगा अगर मान लीजिए कि आपने टू फिफ्टी फाइव वन टू है अभी सैम्पल रेट तो अगर आपने टू फाइव सिक्स करते हो तो उसमें क्या होगा उसमें रिकॉर्ड तो अच्छा होगा बट उसका प्रोसेस प्रोसेसर के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा जो आपका जो कंप्यूटर है ठीक है तो, तो उसमें प्रेशर यूटिलाइजेशंस बढ़ जाएगा कंप्यूटर का तो अब क्या कीजिएगा अब जब रिकॉर्ड कीजिएगा वोकल रिकॉर्ड कीजिए तब जाके ये कम कर सकते हैं ठीक है 192 कर सकते हैं मान लीजिए 192 में आप रिकॉर्ड कर लिया जब इसका मिक्सिंग मास्टरिंग कर करेंगे तब जाके इस ए में जाइएगा कैसे जाना है ऐसे जाना है यहाँ पे जाइएगा यहाँ पे जाइएगा यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा एस आई फिर एस आई करने के बाद यहाँ पे एक टैब आएगा उस टैब को ओपन कीजिएगा तो ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा ये वाला इंटरफेस ओपन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ड्राइवर चेंज हो जाएगा फिर तो क्योंकि मैं ये ऑडियो इंटरफेस के थ्रू बात कर रहा हूँ फिलहाल तो इसमें आप आपको ए वाला सिंपल चीज़ है एकदम सिंपल चीज़ है आपको ए वाला चीज़ रखना है और जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप आप कम उसको कमा सकते हो टू फाइव वन टू के जगह में टू फाइव सिक्स कर सकते हो उसमें लेटेंसी बहुत कम हो जाएगा इसीलिए हम कमाते हैं जब भी हम लोग इसमें कमाएँगे ना तो क्या होगा घटाएंगे तब क्या होगा कर, आप अपने जो बोल रहे हो मान आप जो गा रहे हो वो आप रियल टाइम सुनाई देगा आपको मोनिटर में आपका हेडफोन में अगर जित फाइव वन टू रहेगा तो अगर आप गा रहे हो तो उसका थोड़ा सा कुछ मिली सेकेंड के बाद आपको कान पे आएगा तो आपको ये इरिटेटिंग होगा ना आप बीट में गा नहीं पाओगे तो इसी इसी के लिए ये चीज़ है कि इसको फाइव वन टू से टू फाइव सिक्स करके देखना पड़ता है कि हमको लेटेंसी कितना काम हुआ अब अभी इसका इससे किस नीचे भी आप कर सकते हो वन नाइनटी टू उसमें आपको प्रोसेसर तो यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा बट अब रिकॉर्डिंग तो अच्छा कर पाओगे ना पाँच सात दस मिनट का रिकॉर्डिंग होता है और कुछ नहीं अब कर लोगे फिर उसके बाद जब प्रोसेसिंग कीजिएगा तब जगह फाइव वन टू कीजिएगा तब प्रोसेसर के ऊपर कुछ लोड नहीं आएगा सुंदर चलेगा क्लियर है ये वाला तो ये लेटेंसी सी कमाने के लिए ये चीज़ है ठीक है अब जाके यहाँ से देखिए डाउनलोड भी कर सकते हैं मैं कुछ नहीं इसे लिखा है कि फ्री डाउनलोड ये सही फॉर ऑल यहाँ पे डाउनलोड कीजिएगा डाउनलोड हो जाएगा वो वाला ये फ्री सॉफ्टवेयर अभी हम जो वहाँ पे जाएंगे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है वो है ऑडियो कनेक्शंस देखिए एक सिंपल सी लॉजिक है ठीक है एकदम क्लियर कर लीजिएगा आपका ये डी है ठीक है आप क्या कर रहे हो इसमें एक इनपुट दे रहे हो मतलब इनपुट किससे किसके किस थ्रू दे रहे हो मतलब किसके थ्रू दे रहे हो आपका ऑडियो इंटरफेस के थ्रू दे रहे हो ऑडियो इंटरफेस से आपका माइक्रोफोन कनेक्टेड है मान लीजिए कि ऐसा है एक छोटा सा एक देखते हैं देखिए क्या है कि इसमें आप ऑडियो इंटरफेस इस ऑडियो इंटरफेस में आप ये वाला इन है यहाँ पे लाइन इन है यहाँ पे भी लाइन इन है दो है ठीक है तो यहाँ पे एक माइक्रोफोन लगाया यहाँ पे एक माइक्रोफोन लगाया तो आप यहाँ से इनपुट दे रहे हो वो इनपुट आ रहा है कहाँ पे ना ऑडियो इंटरफेस में तो इनपुट जहाँ पे दे रहा है तो ये तो ऑडियो इंटरफेस को बोल के रखना पड़ेगा ना कि मेरा ये ऑडियो इंटरफेस है मेरा ये लाइन इन है यहाँ पे एक माइक्रोफोन लगा हुआ है तब ना जाके ये डी डब्ल्यू को समझ में आएगा तब ना जाके वो रिकॉर्ड करेगा है कि नहीं तो उसके लिए हम लोग एक बास बनाएंगे इसको हम बास के हिसाब से नाम से जाना जाता है कुछ नहीं है ऐसा ये बहुत सुंदर सा एक नाम दिया गया और कुछ नहीं ये कुछ नहीं एक सिंपल सी आप सोच कि कनेक्टिविटी है ठीक है ऑडियो इंटरफेस से कनेक्ट करके डी डब्ल्यू से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ जैसे कि हम बास में सब लोग चढ़ के घूमने जाते हैं ट्रैवल करते हैं तो यही सेम चीज़ है बास है तो बास क्या है यहाँ पे मैं क्या क्या बोला था लेफ्ट एंड राइट दो स्टीडियो चैनल इनपुट सॉरी अगर इनपुट देखिएगा सॉरी मैं आउटपुट में चलेगा तो इनपुट में देखिएगा देखिए स्टीडियो इन स्टीडियो अम, स्टीडियो इन लेफ्ट स्टीडियो इन राइट ये एनालॉग सिग्नल है क्योंकि एनालॉग क्यों है ना आप यहाँ पे आपका माइक्रोफोन लगा रहे हो माइक्रोफोन से जो वोकल रिकॉर्ड कर रहे हो वो एनालोसी एनालॉग सिग्नल है और इसके अंदर टू ए डी कन्वर्टर होता है ए डी मतलब क्या है एनालॉग टू डिजिटल क्योंकि ये जी, आपका क्यूबेस तो आप क्यूबेस बोलो आपका पीसी बोलो ये तो डिजिटल ज़ीरो वन पे काम करता है ना ये जीरो समझते वन समझते तब का ये ऑडियो सिग्नल जो भी है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है प्लस फाइव बोल्ट माइनस फाइव बोल्ट ऐसा करके होगा. प्लस माइनस टू पॉइंट फाइव तो ये वाला ऑडियो सिग्नल को वो डिजिटली कन्वर्ट करते हैं ये वाला ऑडियो इंटरफेस और कन्वर्ट करके वो जीरो वन का भाषा में देते हैं क्यूबेस को तब जाके क्यूबेस को समझ में आता है क्लियर अभी हम लोग चलते हैं इसीलिए ये एनालॉग वन एनालॉग टू दो माइक्रोफोन है ठीक है अब मैं इनपुट कर दिया तो इनपुट आ गया अब ज, का, जाएगा कहाँ ना आउटपुट में जाना है स्पीकर में मेरे को बजाना है तो यहाँ पे जाएंगे ये वाला ऑडियो ड्राइवर के थ्रू जाएगा ये लेफ्ट स्टीडियो लेफ्ट एंड राइट ये प्लेबैक है स्टीडियो लेफ्ट प्लेबैक वन स्टीडियो राइट क्योंकि स्टीडियो तो दो चैनल होता है लेफ्ट और राइट इसमें प्लेबैक वन एंड प्लेबैक टू अब सिलेक्ट करके रखते प्लेबैक वन प्लेबैक ये आपका ऑडियो इंटरफेस का सेटिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है आप तीन चार पे भी ले सकते हो ऐसा बास है और कुछ नहीं ठीक है अच्छा ये चीज कंप्लीट कर दिया यही था मोटा मोटा अभी आप देखिएगा इसमें अगर आप ऑडियो ट्रैक बनाते हैं मान लीजिए कि मैं मोनो बोला है मैं तो मोनो कर रहा हूँ तो मोनो करेंगे हम मोनो करेंगे अभी अगर हम राइट करते हैं और रिकॉर्ड देखिए मेरा वो कल आ गया देखिए फिर से आ गया देखिए यहाँ पे इस चैनल पे तो मैं एक दूसरा सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ आगे मैं यहाँ पे भी एक चैन एक किया ऑडियो ट्रैक लिया बनाया जिसमें मैं यहाँ पे भी सिग्नल इनपुट कर रहा हूँ अगर आप ये आप स्टूडियो सेटअप में जाते हैं ऑडियो कनेक्शन पे जाते हैं तो मेरा यहाँ पे सिग्नल इन हो रहा है और यहाँ पे आउट हो रहा है यहाँ पे इन हो रहा है और यहाँ पे आउट हो रहा है आउट होके ये प्लेबैक हो रहा है और प्लेबैक बैक कहाँ पे है ना मेरा हेडफोन है वो भी दिखाते हैं आपको तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा देखिए ये मेरा ऑडियो इंटरफेस का जो सॉफ्टवेयर है ये देखिए ये देखिए ये मेरा ऑफ देखिए प्लेबैक है वन टू और ये मैंने मिक्सर मिक्सर चैनल में रिडिरेक्ट करके रखा तो मेरा हेडफोन कहाँ पे है ना ये देखिए हेडफोन वन यहाँ पे आ रहा है अभी मैं ना माइनस फोर्टीन डी पे सुन रहा हूँ मेरा बात मेरा मैं खुद सुन रहा हूँ और मेरा ये प्लेबैक हो रहा है अगर आप नहीं यहाँ पे जाते हेलो 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 यहाँ पे जाते तो आप वो भी हम हेडफोन पे ही सुन रहे हैं देखिए यहाँ पे हम हेडफोन पे ही सुन रहे हैं क्योंकि ये मिक्सर हेडफोन का जो ट्रे है वो मिक्सर चैनल में मैंने रिडिररेक्ट करके रखा कोई जो भी आएगा वो मिक्सर चैनल पे जाएगा किसके थ्रू गया किसके थ्रू गया मैंने जो ऑडियो इंटरफेस का जो सॉफ्टवेयर है इसके थ्रू किया इसके थ्रू कन्फेयर करके वन टू कर दिया इसीलिए वन टू हो गया वो वहाँ पर इस जगह में वन टू है प्ले पे ठीक है तो ये चीज़ें आप जाके अभी रिकॉर्ड भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो मान लीजिए कि यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करना ही चाहता हूँ तो करते हैं हेलो 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 टेस्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ज़ीरो देखिए रिकॉर्ड हो गया यही था आज का क्लास बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर डी ए डब्ल्यू तो इस केस में हम हम लोग क्यूबेस लेके लेकर डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात हो रहा है अगर आपको इस ट्यूटोरियल में कुछ सीखने को मिलते हैं आपको अच्छा लगा तो थोड़ा सा प्यार भी बरसाइए मेरा ऊपर लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे साथ जुड़ के रहिए आगे बहुत सारे ट्यूटोरियल आने वाला है तो टिल द टाइम आप लोग सब खुश रहिए एंड प्लीज़ टेक केयर एंड पीस आउट